एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी एक लेस पैटर्न की डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और खूबसूरत सी ये लेस बनी हुई है। और इस तरीके की लेस आप अपनी किसी भी जैकेट में बना सकते हैं। ये मेरी काफ़ी पुरानी जैकेट है और इसे मैंने बनाया था, सिंपल सा ही बनाया था, कुछ भी नहीं किया था इसमें। बहुत ही इजी डिज़ाइन को भी यूज़ किया था मैंने इसमें, आप देख सकते हैं। अगर आप इस डिज़ाइन में जैकेट बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इस डिज़ाइन को भी ज़रूर अपलोड करूँगी और बता दूँगी आपको कि इसको मैंने कैसे बनाया है और कितने फंदे लिए हैं या फिर किस तरीके से कितने इंच का ये बना हुआ है। इसका आप ये नेक भी देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल सा नेक बना हुआ है। और इसका मैंने इस तरीके का कुछ बॉर्डर बनाया है। इस तरीके का नेक बनाना और इस तरीके के आर्म होल पे जो बॉर्डर बनता है, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में है, वहाँ से जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगी वो इस लेस को बनाना बताऊंगी, जिसको आप अपनी किसी भी पुरानी से पुरानी जैकेट हो या नई से नई जैकेट हो, शॉल हो, दुपट्टा हो, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फाइन लगती है और बिल्कुल आपकी जैकेट को रेडीमेड लुक दे देगी। कैसी भी आपकी जैकेट हो, आप उसको नया करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट या रेडीमेड लुक देना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न को यूज़ करिए। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत लगती है बनने के बाद और पहनने के बाद भी। इनफैक्ट अगर आपने जैकेट बनाई है और उसकी लंबाई छोटी लग रही है आपको, आपको लग रहा है कि वो थोड़ी सी शॉर्ट बन गई है, तो आप जैकेट इसको भी यूज़ करके, इस तरीके का पैटर्न यूज़ करके आप उसकी लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं। ये ऑलमोस्ट देखिएगा 4 अंगुल तक की आपकी लंबी हो जाएगी जैकेट। तो चलिए आज मैं आपको इसी डिज़ाइन को बनाना बता देती हूँ कि इसे आप अपने जैकेट में किस तरह से यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग से मैं आपको यहाँ से बताऊँगी कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ से देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए पूरे में इस तरीके के कंगूरे बनाए हैं जो आप अपने बॉर्डर में बना सकते हैं। ये भी मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर रखा है, ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दिया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बट आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। तो सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के लिए धागे को ऐड कर लीजिए कॉर्नर साइड पे और बैक साइड से ऐड करिएगा। फर्स्ट रो जो बनेगी वो बैक साइड से बनेगी और क्रोशिया को डाल के सबसे पहले इसमें 1, 2, 2 चैन बना लेंगे और जितने भी चैन आपके पास हैं इन सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। सबसे पहले एक एक सिंगल क्रोशिया सब में बना लेंगे ताकि बेस रेडी हो सके। इस तरह से देखिएगा जितनी भी चेन है आपके पास, नीचे के साइड जितनी भी चेन्स दिख रही हैं उन सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। अगर आप इस तरीके की जैकेट मींस इस तरीके की लेस नीटिंग के जैकेट में बनाना चाहते हैं जो सलाइयों से बनती है उसमें आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, बट उसमें जो सिंगल क्रोशिया बनेगी वो हर चेन में ना बन के 1 या 2 चेन स्किप करके बनाइएगा, क्योंकि वो जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है और इसकी जो स्टिचेस होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो अगर आप उसमें हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें झोल आ सकता है। इसलिए उसमें बनाने के लिए आप निटिंग की जैकेट में बनाने के लिए आपको 1 या 2 स्टिच उसकी छोड़नी पड़ेगी। या तो फिर मैंने निटिंग की जैकेट में भी अपलोड कर रखी है इस तरीके की नहीं, मीन्स दूसरा मैंने डिज़ाइन बनाया है जिसमें मैंने निटिंग की जैकेट में नीचे का लेस पैटर्न बनाना बताया था तो किस तरीके से बनाना है, तो वहाँ से भी जाके आप उसकी फर्स्ट रो जो है वो देख सकते हैं कि कैसे आपको इसका बेस तैयार करना है। उसके बाद फिर आप डिज़ाइन चाहे वो वाली बनाएं या ये वाली बनाएं, कोई भी डिज़ाइन आप अपनी किसी भी जैकेट में बना सकते हैं। तो इस तरह से एक एक में डालेंगे और सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। देखिए यहाँ मैंने सब में सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब फ्रंट साइड पे हूँ और यहीं से वर्क को स्टार्ट करूँगी।
जो ये लेस पैटर्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। स्टार्टिंग और बाकी के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से एक, दो और ये तीन, शुरुआत की तीन में मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है, इसलिए ताकि कि जो भी लेस पैटर्न बनाएं हम लोग वो बिल्कुल स्ट्रेट समझ में आ जाए। और अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 तीन चैन बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली में इसे सिंगल क्रोशिया से ही ऐड कर देंगे। अगेन 1 2 और 3 तीन चैन बनाएंगे और अब यहीं से इसमें ये जो फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें ऐड करेंगे। ओके, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, तो स्टार्टिंग जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करिएगा। और ये जो दो चैन मैंने बनाई यहाँ पे, और दो चैन बना के ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है आपकी फर्स्ट नंबर वाली, यहाँ पे अपने वर्क को ऐड कर दीजिए फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया में। स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे इसे और टर्न करके अब ये वाली जो चैन स्पेस बनाई है, ये वाली, ये जो दो चैन बनी है ये नहीं, इससे पहले जो तीन चैन वाली स्पेस बनाई थी इसमें हमें 7 और डबल क्रोशिया बना लेनी है। दो ये अभी हमने जो पहली बनाई दो चैन और उसे ऐड किया, ये हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। और इसके बाद 7 और बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7 7 डबल क्रोशिया बना के एक स्किप करेंगे सिंगल क्रोशिया को और दूसरे सिंगल क्रोशिया में अपने वर्क को ऐड कर देंगे इस तरह से। अगेन यहाँ पे एक और दो, दो चैन बनाएंगे और दो चैन बना के फिर से एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वन में इसे पहले ऐड कर देंगे और वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे स्पेस के लिए और एक चैन बना के यहाँ पे देखिएगा जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है इनमें हमें ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये वाली जो है ये एज आपकी डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, जो दो चैन बनाई है फर्स्ट नंबर वाली से डबल क्रोशिया बनाने को स्टार्ट करेंगे। एक, फिर से एक चैन का स्पेस लिया, दूसरी बनाई, एक चैन का स्पेस, तीसरी स्पेस, चौथी फिर से स्पेस, पांचवी और फिर से स्पेस बना के एक और बना लेंगे। अगर आपकी पांच में ही सीधाई आ रही है, यहाँ पे जो पहली डिजाइन होगी आपको उसको आपको इसका सीधाई देखनी पड़ेगी, तो इस चीज को रख के देख लीजिएगा। अगर आपकी पांच में ही सीधाई आ रही है, फिफ्थ नंबर डबल क्रोशिया में ही अगर सीधा हो रहा है तो उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, और अगर सिक्स नंबर डबल क्रोशिया में सीधा हो रहा है तो उसे सिक्स नंबर पे छोड़िए। तो यहाँ मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाई है और फिर से यहीं से टर्न करूंगी, 2 डबल क्रोशिया को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि इसमें बनाने के बाद फिर वर्क यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए ये स्टार्टिंग वाला जो करें वो कुछ इसी तरीके से करें, बाकी आपको दूसरे तरीके से करना होगा। 1 2 3 तीन चैन बनाई मैंने एज अ डबल क्रोशिया और 1 2 3 दो चैन बनाएंगे, यहाँ पे एक चैन का स्पेस दिया था, अब इस वाले में दो चैन का स्पेस देंगे। तो तीन चैन बना ली डबल क्रोशिया के लिए और दो चैन स्पेस के लिए, वर्क को अगेन वहीं से टर्न कर लिया और जितनी डबल क्रोशिया है आपने 6 बनाई हो तो 6 और 5 बनाई हो तो 5 के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से बनेगी, ये दो स्पेस हो गया, ये एक डबल क्रोशिया हो गई,
दो चैन का स्पेस देंगे। यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन दो चैन का स्पेस दिया। जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है तो सिर्फ सबके ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। पहले राउंड में एक चैन का स्पेस दिया, दूसरे राउंड में दो चैन का स्पेस देंगे। ये देखिए फिर से दो चैन का स्पेस और ये यहाँ बना ली। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरी पूरी हो गई। और 6 को पूरे होने के बाद अब इसे हमें ऐड कर लेना है वर्क को। तो एक चैन बनाएंगे और एक चैन बना के वर्क आपका जिस जगह पे सुटेबल प्लेस पे ऐड हो रहा हो तो इस तरीके से इसे सीधा ही रखें, ये टेढ़ा ना हो, इस हिसाब से ऐड करिएगा। तो मैं एक छोड़ के दूसरे में इसे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, अगर आपका दूसरे में भी ऐड करने पे वर्क लग रहा है आपको कि टाइट हो रहा है तो आप जस्ट उसी के बगल वाले में इसे ऐड कर दीजिए इस तरीके से। ओके, और अब यहां पे क्या करेंगे, अगेन 1 2 दो चैन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वन में इसे पहले ऐड कर देंगे। फिर से ये काउंट नहीं होगी, इसे काउंट नहीं करेंगे, वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। और यहां पे अब पहले एक दो दो चैन का स्पेस दिया, शुरुआत दो चैन से करेंगे, बीच में तीन चैन का स्पेस दे देंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना ली पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर, अब तीन तीन चैन का स्पेस देंगे, तीन चैन बना ली, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना ली, फिर से तीन चैन का स्पेस दिया, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन का स्पेस देंगे, नेक्स्ट वन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और फिर से तीन चैन का स्पेस देके जो आपने चैन्स बनाई है यहाँ पे, जो तीसरी वाली चैन है 1 2 और 3, जो थर्ड नंबर चैन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए, तो मेरा वर्क यहाँ से बिल्कुल सीधा जा रहा है। अब यहाँ पे फाइनल राउंड बनाएंगे। फाइनल राउंड के लिए सबसे पहले जो चेन स्पेस है वहां पे आ जाएंगे, एक और दो, दो चैन बनाएंगे एज अ हाफ डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें बनानी है तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया बना ली। और अब लास्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ लूप लेके, लूप लेंगे यहाँ पे, लूप लेके इस तरह से जितने भी लूप्स हैं उन सबको एक साथ निकाल देते हैं। डबल क्रोशिया में दो बार में निकालते हैं और सिंगल क्रोशिया में एक बार। और अब जो ये डबल क्रोशिया बनी हुई है नीचे वाली, इसमें आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अगेन जो नेक्स्ट चेन है इससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, और लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, मीन्स पांच बनेंगी, साइड में दो हाफ डबल क्रोशिया बनेंगी और बीच में तीन डबल क्रोशिया। उसके बाद जब नेक्स्ट चेन स्पेस पे जाने के लिए सबसे पहले आपको इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी होगी और फिर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया, एक दो और तीन डबल क्रोशिया हो गए, लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल बनके रेडी होगा एक पैटर्न का। ये पहला पैटर्न है, तो इसी तरीके से आपको सारे पैटर्न्स बनाने हैं। दूसरा पैटर्न किस तरह से स्टार्ट करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले इसे बना के पूरा रेडी कर लेते हैं सारे चेन स्पेस में। सेम इसी तरीके से आपको कंगूरे बना के नीचे तक रेडी कर, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें टोटल 6 1 2 3 4 5 6 बना के रेडी कर लिया।
और 6 के बाद अब इसको सेम वैसे ही एक सिंगल क्रोशिया, देखिए मैंने स्किप की यहाँ से, और नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर लिया। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बनके रेडी हुआ, ये पूरा एक पैटर्न बन गया है। और अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न बनेगा सेम ऐसे ही, बट उसमें पूरी 8 डबल क्रोशिया में वर्क करना है। इसमें हमने हाफ में ही किया था। अब यहाँ से क्या करना है, 1 2 3 4 5 चैन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। और अब आपको नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है इसमें अटैच करते चलना है। इस बार मैं जैसे अटैच करके बताऊंगी आपको, आपको इसके आगे के सारे भी पैटर्न वैसे ही अटैच करने हैं और सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इन दोनों पैटर्न के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाई थी, उसी जगह पे आपको अपने वर्क को ऐड कर देना है। और फिर से 1 2 3 3 चैन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाना रेडी करना है। तो 3 चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, प्लस 7 और बना लेंगे इसमें, 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 8 हो गई। यहां से टोटल 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई अभी, और एक और बनाएंगे, ये हो गई 8। तो 3 चैन मिला के आपको करना है। और अब इसमें क्या करेंगे, देखिएगा, जैसे आपने यहाँ पे जितनी सिंगल क्रोशिया के बाद इसको जोड़ा है, उतनी सिंगल क्रोशिया के बाद इसमें भी जोड़ेंगे, या तो फिर आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको सुटेबल लगे वहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड किया था, तो एक के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगी इस तरह से। फिर से 1 2 और 3, 3 चैन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके थर्ड वन में इसे ऐड करेंगे। और अब यहाँ से एक एक चैन का गैप लेके आपको सब में डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहली वाली से बनाना स्टार्ट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। तो जितनी भी बनी है आपके पास, 8 हैं, तो 8ों में इसी तरीके से सारी डबल क्रोशिया में एक एक चैन का गैप लेके सब में इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लें। तीन चैन से स्टार्ट किया था, तो थर्ड नंबर चैन पे भी एक बनेगी, 1। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमने बना के रेडी कर लिया। और 8 टाइम्स के बाद सेम वैसे ही एक चैन बनाएंगे और इसे अपने पहले वाले पैटर्न में अटैच करना है। तो इसे ऐड करने के लिए पहले देखिए, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमने ऐड किया था, अब की बार सेकंड और थर्ड के बीच में जो सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट है यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड अप या तो सिंगल क्रोशिया से भी कर सकते हैं या स्लिप स्टिच से भी। अगेन यहाँ से 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, और टर्न करने के बाद सेम वैसे ही आपको यहाँ पे फिर से जो ये वाला राउंड है, 2-2 चैन के स्पेस वाला, इसे बनाना है। तो पहले वाले से स्टार्ट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन का स्पेस, एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन का स्पेस, एक डबल क्रोशिया। तो जितनी भी हैं आपके पास सेम ऐसे ही बना के इसमें 2-2 चैन के स्पेस पे रेडी कर लेना है। ये देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स बना के रेडी कर लिया। फिर से यहाँ पे लास्ट में एक चैन बना लेते हैं और एक चैन बना के इसे सुटेबल प्लेस पे जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे ऐड कर दें,
एक और दो डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया को स्किप करके अगर मैं थर्ड वन में ऐड करूँगी। एक बार आप ऐड वाला देख लेंगे कि कैसे आपको ऐड करना है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मैंने थर्ड वन में ऐड किया और ये वर्क बिल्कुल मेरा सही लग रहा है, कहीं से भी टाइट या ढीला नहीं है। उसके बाद फिर से तीसरा वाला राउंड बनाएंगे जो तीन चैन के स्पेस में है। तो सबसे पहले तीन चैन बना लेते हैं। तीन चैन बना के अपने वर्क को फिर से यहाँ पे दो डबल सिंगल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वन में से पहले यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से वन टू स्टार्टिंग जब भी करें हमेशा एक चैन कम से करें। नीचे मैंने एक चैन ही बनाई थी, दो दो चैन का स्पेस था तब भी लास्ट में एक बनाई। यहाँ पे तीन चैन का स्पेस है तो शुरुआत में मैं दो चैन ही बनाऊंगी और अब यहाँ से स्टार्ट करूंगी। एक डबल क्रोशिया बना ली पहली वाली में, तीन चैन का स्पेस और दूसरी डबल क्रोशिया। तो इस तरह इसे भी करके पूरा एंड तक की पहले सारी डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेते हैं। इसमें टोटल आठ डबल क्रोशिया हैं तो इसमें भी आठ बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट टाइम्स बना लिया और अब इसे ऐड करना है। अगर चैन की ज़रूरत हो तो चैन बनाइए, अदरवाइज इसे डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे चैन नहीं बनाई है और अब यहाँ पे फिर से टर्न करके सेम लास्ट वाला पैटर्न बनाना रेडी करना है जो ये वाला हमने बनाया है। तो हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया सिर्फ चेन स्पेस में बनानी है तो उसमें अब बन जाएगा आराम से। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो जैसे आपने इस वाले को अटैच किया है मींस ऐड कर करके दूसरा पैटर्न बनाया है वैसे ही आपको तीसरा पैटर्न बनाना है। उसके बाद जब तीसरा बन जाएगा तो चौथे वाले को आप तीसरे पे ऐड कर देंगे। बहुत इजी है, अब आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार शुरुआत में सिर्फ कैसे ऐड करना है ये सीखना होता है। ये देखिए मैंने तीन बार डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई और यहाँ पे जो एक डबल क्रोशिया है नीचे वाली इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर दूंगी। अगेन नेक्स्ट चेन में वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया, एक दो और तीन डबल क्रोशिया, लास्ट में भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और ये यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और यहाँ एंड तक आ जाएंगे। एंड में जब पूरा बन जाए तो सेम वैसे ही आपको एक के बाद अगर ऐड किया है तो एक के बाद, दो के बाद ऐड किया है तो दो के बाद और बिना किसी गैप में ऐड किया है तो जस्ट बगल में इसे ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है वैसे ही इसे भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने एक भी स्पेस नहीं दिया है तो इसमें मैं एक भी स्पेस नहीं दूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए पैटर्न का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये बनके रेडी होता है, बिल्कुल आपके जैकेट का लुक ही चेंज कर देगा, बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। और आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आएगा। थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को अटैच किया है सेम वैसे ही आपको थर्ड वाले को सेकंड से अटैच करना है, फिर फोर्थ को थर्ड से अटैच करना है और इस तरीके से पूरा आपको लेस बनाते जाना है। तो चलिए मिलूंगी कुछ नए आइडियाज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।